एंड्रॉइड स्मार्टफोन की 10 ऐसी सेटिंग जो आपको अभी इसी वक्त बंद कर देनी चाहिए। क्या आपके एंड्रॉइड फोन की जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है, फोन का जो डेटा है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसके अलावा आपका जो फोन है वो हैंग करता है? तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एंड्रॉइड की 10 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिनको आपको बंद कर देना चाहिए, और इन्हें बंद करने के बाद आपके मोबाइल का डेटा बचेगा, मोबाइल फास्ट हो जाएगा। तो कौन सी है आखिर ये सेटिंग्स, वेल ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। नंबर वन, सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाओ। वहां पर जाने के बाद आपको अबाउट सेक्शन में जाना है, जो आपको सबसे नीचे मिलेगा। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। वहां पर आपको एक बिल्ड नंबर मिलेगा। इस बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप करते जाना है लगातार। तो जैसे आप 7 टाइम्स टैप करोगे तो जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है, तो वहां पर अबाउट के पास ही आपको एक डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। इसके अंदर आपको सर्च करना होगा एक चेक बैकग्राउंड। तो जैसे आप इस चेक बैकग्राउंड ऑप्शन को ढूंढ लेते हो तो इस पर क्लिक कर लीजिए। वहां पर आपको कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो यहां पर जिन भी एप्लीकेशन को आप चाहते हो कि वो बैकग्राउंड में रन ना हो, बैकग्राउंड में ना चले, तो ऐसे में आप उसे ऑफ कर सकते हैं या फिर कहो डिसेबल कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके 2 फायदे हैं। एक ये है कि आपके फोन का जो बैटरी है वो सेव होगा, और साथ में आपके फोन का रैम खाली होगा, जिससे आपके फोन में अगर कोई लैग प्रॉब्लम या फिर हैंग प्रॉब्लम है, आपका फोन हैंग करता है, तो वो भी काफी हद तक फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेटिंग आती है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके फोन में बैटरी को और साथ में आपके फोन के डेटा को भी बहुत ज्यादा सेव करेगा। वेल दोस्तों, आपको इसके लिए सिंपली फोन के सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको अकाउंट और बैकअप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल का, तो गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपको सिंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे वहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन को इनेबल रहने देना है। एक है दोस्तों यहाँ पर जीमेल और दूसरा है कॉन्टैक्ट। बाकी सारे दोस्तों जो इस ऑप्शन है उन सभी को टर्न ऑफ यानी कि बंद कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी गूगल अकाउंट है वो किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को दोस्तों सिंक नहीं करेगा, एक्सेप्ट यहां पर कॉन्टैक्ट और जीमेल को। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो बंद हो जाएंगे, जिससे आपके मोबाइल का डेटा भी बचेगा। अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंक नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है यहां पर फोन का डेटा बचेगा और फोन की बैटरी भी सेव होगी। फोन के सेटिंग्स पे जाओ, वहां पर आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्स का, उस पर क्लिक करें। जैसे आप एड्स पे क्लिक कर लेते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट आउट ऑफ एड पर्सनलाइजेशन। इस पर क्लिक करें और यहां पर ये जो ऑप्शन है आपको बाय डिफॉल्ट डिसेबल मिलेगा, यानी कि टर्न ऑफ मिलेगा, लेकिन आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है यानी इनेबल करना है। तो जैसे आप इसे इनेबल कर लेते हो या फिर कह लो ऑन कर लेते हो, तो वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपको अभी भी ऐड दिखाई देंगे, लेकिन हो सकता है कि जो ऐड आपको दिखाई देंगे वो आपके इंटरेस्ट पे ना हो, यानी इंटरेस्ट बेस पे ना हो। नेक्स्ट जो सेटिंग आता है, वेल ये सेटिंग भी बाय डिफॉल्ट आपके फोन में ऑन ही रहता है और ये आपके फोन के बैटरी को कंज्यूम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फोन के सेटिंग्स पे जाना है। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा मोर कनेक्शन का, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग, ये इनेबल होगा, तो आपको इसको टर्न ऑफ कर देना यानी कि बंद कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो फोन है वो नियर बाय डिवाइस को स्कैनिंग नहीं करेगा, ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली डिवाइस को स्कैन करता रहता है, जिससे फोन की जो बैटरी होती है वो कुछ ना कुछ परसेंट कंज्यूम जरूर होती है। तो अगर आप इसे बंद कर दोगे तो डेफिनेटली यार आपके फोन की जो बैटरी है वो काफी हद तक सेव होगी। नेक्स्ट सेटिंग, वेल ये गूगल की सेटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बाय डिफॉल्ट फोन में ऑन ही रहता है, जिसका नाम है यूसेज एंड डायग्नोस्टिक। वेल दोस्तों, इसे आपको बंद करना है तो इसके लिए सिंपली फोन के सेटिंग्स में जाना है, गूगल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहां पर आपको यूसेज एंड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके सिंपली इस ऑप्शन को यहां से टर्न ऑफ यानी कि बंद कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, यहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अगर ये ऑन रहता है तो क्या करता है, जो गूगल है आप अपने फोन को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, बैटरी को लेके, ऐप्स को लेके, या फिर कह लो आपके फोन में यूआई में कोई एरर आ गया है, या फिर आप फोन को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, किस तरह से बैटरी लाइफ इस्तेमाल करते हो, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना दोस्तों, ये गूगल अपने सर्वर पे भेजता है, इन्हें स्टोर करता है। ये दोस्तों सेफ ऑप्शन है वैसे तो, आपके फोन की यूजेबिलिटी को या फिर कह लो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए गूगल इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन रखता है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, इस ऑप्शन को आप सिंपली ऑफ कर सकते हो यहां पर। वैसे दोस्तों, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है, इंटरेस्टिंग है, हेल्पफुल है? तो यार अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार फटाफट से यार
एक लाइक तो जरूर कर दो। नेक्स्ट सेटिंग, वेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके फोन में बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, ये आपके फोन की बैटरी को कंज्यूम भी करता है। तो आपको क्या करना है, इसे ऑफ करना है तो सिंपली अपने नोटिफिकेशन आइकन को स्लाइड कर लीजिए नीचे की साइड में, वहां पर आपको एक लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप लोकेशन पर पहुंच जाओगे। अगर ये ऑन नहीं है तो पहले ऑन कर लीजिए, उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंप्रूव एक्यूरेसी, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक वाईफाई स्कैनिंग और दूसरा यहां पर आपको ब्लूटूथ स्कैनिंग मिलेगा, तो इन दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, टर्न ऑफ यानी कि बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप लोकेशन का इस्तेमाल करोगे तो ये वाईफाई स्कैनिंग या फिर कह लो यहां पर ब्लूटूथ स्कैनिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिससे ऑब्वियसली बात है आपके फोन का जो डेटा है और आपके फोन की जो बैटरी है वो भी सेव होगी। तो यहां पर इस ऑप्शन को आपको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट सेटिंग, अगर दोस्तों आप अपने फोन की नोटिफिकेशन से काफी ज्यादा परेशान है, आपके फोन में भर भर के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन एड्स आते रहते हैं और आप इन सभी से परेशान हो, इन्हें बंद करना चाहते हो, तो वेल इसके लिए भी दोस्तों ऑप्शन है, सिंपली फोन के सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद आप एप्स पे जाके वहां पे जाके उस एप्लीकेशन को, जितने भी एप्लीकेशन आप चाहते हो कि यार इनकी नोटिफिकेशन मुझे ना आए, मतलब मेरे काम की नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन स्पेसिफिक एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है आप उस ऐप पे क्लिक करके वहां पर नोटिफिकेशन का आइकन मिलेगा तो वहां पर जाके आप उसे बंद कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, वो जो एप्लीकेशन है आपको किसी भी तरह की नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। यस, इससे आपके फोन की ऑफकोर्स ही बात है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो आपके फोन की जो बैटरी है सेव होगी। क्यों, अगले सेटिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि ये जो सेटिंग है आपके फोन में बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है और ये आपके फोन में सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है और सबसे ज्यादा आपके मोबाइल डेटा को भी यूज करता है, खर्च करता है, तो आप कहोगे यार ऐसा कौन सा ऑप्शन है। वेल दोस्तों यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्ले स्टोर की, तो सिंपली प्ले स्टोर के ओपन कीजिए, यहां पर लेफ्ट साइड में आपको ये थ्री लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स और साथ में वहां पर आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऑटो वीडियो प्ले, तो इन दोनों ऑप्शन को दोस्तों आपको बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। तो यहां पर आप सिंपली इसे डू नॉट ऑटो अपडेट पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके फोन में कोई भी ऐप अपडेट नहीं होगा। अगर ये इनेबल है दोस्तों तो आपके फोन में जितने भी एप्स पे अपडेट आएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपके फोन का डेटा खर्च होता है और ऑफकोर्स सी बात है आपके फोन की बैटरी भी खर्च हो जाती है। तो इसे आप दोस्तों सिंपली टर्न ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग आता है दोस्तों, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं आपका फोन हैक ना हो जाए, तो ऐसे में आपको इस ऑप्शन को बंद जरूर कर देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर अननोन सोर्सेस की। यस, आपको सिंपली फोन के सेटिंग्स पे जाना है, वहां पर आपको ऐप का ऑप्शन मिलेगा, ऐप्स पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना है, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल एक्सेस, तो इस पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अननोन इंस्टॉल का या फिर कह लो अननोन सोर्सेस का, उस पे आपको क्लिक करना है, या फिर ये जो अननोन सोर्सेस का ऑप्शन है आपको फोन के कहीं पे भी सेटिंग पे मिल जाए तो सिंपली इस ऑप्शन को दोस्तों आपको बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, तो वहां पर सभी एप्लीकेशन के लिए दोस्तों आपको इसे डिसअलाउ कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर गूगल क्रोम के लिए ये अलाउ कर रखा है तो इसे डिसेबल कर दीजिए या फिर कह लो डिसअलाउ कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन हो गया वो आपके फोन में किसी भी तरह के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपके फोन में इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे दोस्तों वो सारे के सारे ऑथेंटिक होंगे और प्ले स्टोर से डाउनलोड होंगे, जिससे क्या होगा आपके फोन में दोस्तों वायरस आने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा और ऐसे में आपका जो फोन है वो सिक्योर भी रहेगा। अगले सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों उन लोगों के लिए जिनका जो मोबाइल डेटा है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, उन लोगों के लिए दोस्तों ये जो सेटिंग है एक वरदान है। यस, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर बैकग्राउंड डेटा रेस्ट्रिक्ट की। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली मोबाइल के सेटिंग पे जाना है, वहां पर आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन आपको लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा डेटा खर्च कर रही है तो उस एप्लीकेशन को आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको मोबाइल डेटा पे क्लिक करना है, तो वहां से आप सिंपली बैकग्राउंड डेटा यूसेज को टर्न ऑफ कर सकते हो। इसे जैसे आप बंद कर दोगे या फिर कह लो टर्न ऑफ कर दोगे तो इसके बाद क्या होगा, वो जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में अगर आप उसे यूज नहीं करते तो बैकग्राउंड में वो किसी भी तरह के डेटा को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल का डेटा तो बहुत ज्यादा बचेगा ही, साथ में फोन की बैटरी भी बचेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इस
ऑप्शन को उसी एप्लीकेशन के लिए आपको टर्न ऑफ करना है, बंद करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है जिस एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है। तो ये थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग जिनको आपको बंद कर देना चाहिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, जानकारी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए, बेल आइकन पे दबा लेना एंड कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर लो, सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो कर लो, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर सभी जगह पे जाओ, वहां पे भी प्यार दिखाओ। एंड हां दोस्तों मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।